हाय गाइस, मेरे चैनल रूबी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन समोसा, जिसे बनाने के लिए मैं 500 ग्राम मैदा ली हूँ और इसमें थोड़ी सी ऑयल डालूँगी, थोड़ी सी नमक डालूँगी और इन सबको मिक्स कर लेना है। और इसमें हल्की हल्की पानी डालकर इनके इसे हल्के हाथों से गूंदना है। जब तक मैं इसे गूंद रही हूँ, जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि देख सकते हैं, हमारा मैदा गूंदा चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे और आगे की रेसिपी जब तक तैयार करते हैं। चिकन समोसा बनाने के लिए हम पहले एक कढ़ाई रख लेंगे और गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जैसे कि हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ऑयल हमारी ऑयल गरम हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 3 हरी कटी हुई मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप जितना तीखा खाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे हम कैप्सिकम भी कहते हैं। अब इसमें डालेंगे बरबट्टी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, और भी हरी सब्जियां डाल सकते हैं आप। इसे थोड़े देर के लिए ब्राउन होने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। देख सकते हैं, ये हल्की ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मैं थोड़ी सी अदरक ली हूँ कुटी हुई, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्की गरम मसाला। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी भूंज लेंगे। हल्की पानी डालकर इसे हम भूंज लेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमारी मसाला भून कर तैयार हो चुका है, अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी ग्राइंड की हुई चिकन डालूंगी मसाले में, जो मैं अच्छे से ग्राइंड कर चुकी हूँ। इसे अच्छे से मिला लेना है। चिकन को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। जब तक हमारा चिकन भुजा रहा है, जब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं।
देख सकते हैं हमारी मैदा की डो बनकर तैयार हो चुकी है। हमारा चिकन देख सकते हैं बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ी गरम मसाला डाल देंगे और हरी धनिया। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा सीड्स तैयार हो और अब हम इसमें चिकन भरेंगे। चिकन भी हमारी ठंडी हो गई है। हमारी सीड्स तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल को गर्म होने देंगे। देख सकते हैं हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है और अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। इसे हल्की से साइड से डालेंगे। इसे हमें बिल्कुल हल्की फ्लेम में फ्राई करना है। ऐसे हमारा चिकन समोसा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप हमारा समोसा कितना क्रिस्पी ये बना है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारा समोसा अंदर से बिल्कुल यम्मी और टेस्टी लग रहा है।